हेलो बच्चों, आज हम साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट। हीट क्या होता है? हीट माने गर्मी। जो गर्मी होती है उष्मा हिंदी में बोलते हैं हम इसको। तो हीट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि देखते होगे कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। किसी में हीट ट्रांसफ़र होती है, कोई ठंडे से गर्म हो जाता है, कोई गर्म करने के बाद धीरे धीरे फिर से ठंडा हो जाता है। तो जो हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ कम गर्म होते हैं। तो ये कितने गर्म हैं, इन चीज़ को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक यूनिट बनाई है या एक मेज़रमेंट बनाया है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। मतलब जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा है, गर्म है या कम गर्म है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा गर्म है, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम गर्म है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ठंडा है। तो हीट को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो किसकी हेल्प से मेज़र किया जाता है, वो थर्मोमीटर की हेल्प से मेज़र किया जाता है। आपने थर्मोमीटर देखा होगा, एक डिवाइस होता है थर्मोमीटर जो डॉक्टर के पास होता है, जो आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो क्लिनिक में यूज़ करते हैं, मतलब जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। और दूसरे थर्मोमीटर होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो क्या होते हैं, जो हम लैब में यूज़ करते हैं, अलग अलग किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इनको डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है वो क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये क्या कह रहा है कि जब मान लेते हैं आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो किसकी हेल्प से मेजर किया जाता है, वो एक थर्मोमीटर की हेल्प से हम मेजर करते हैं। उस थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जो थर्मोमीटर होता है ये कौन सा थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो अब यहाँ पे थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये आगे वाला पार्ट होता है थर्मोमीटर का, ये होता है बल्ब, BULB, बल्ब बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक सी लाइन देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी भरा होता है। मरकरी एक मेटल होता है जो इसके अंदर भरा हुआ होता है। यहाँ से ये भी, इसमें भी, यहाँ पे भी मरकरी भरा होता है। और साथ में यहाँ पे ये रीडिंग आपको दिख रही है, ये नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर को मेजर करता है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, इसका जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, थर्मोमीटर को आपके मुंह के जीभ के अंदर रखा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला बल्ब होता है, ये आपकी जीभ के नीचे रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी भरी होती है। मरकरी क्या काम करती है, मरकरी जब हम गर्म करते हैं मरकरी को, तो वो फैलना स्टार्ट कर देती है, वो एक्सपेंड होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये मरकरी थी, जब इसको हम अपने मुंह में डालेंगे तो हमारे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये मरकरी क्या होगा, गर्म करना स्टार्ट करेगी, गर्म हो जाएगी, और जिससे ये फैलना स्टार्ट कर देगी, और ये पतली सी जो ट्यूब होती है इसमें ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। जहाँ तक ये ट्यूब में जहाँ तक भी ऊपर तक जाएगी, वहाँ पर हम रीडिंग देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 41 लिखा हुआ है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा,
41 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से। अब यहाँ पे एक दूसरी यूनिट भी होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, वो होती है फारेनहाइट स्केल जिसको हम बोलते हैं। कई बार डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कई बार डिग्री फारेनहाइट में मेजर किया जाता है। जो डिग्री सेल्सियस स्केल होता है वो थोड़ा बड़ा स्केल होता है और फारेनहाइट जो होता है वो छोटा स्केल होता है। जैसे कि मान लेते हैं सेंटीमीटर और मीटर होते हैं, तो जो सेंटीमीटर होता है वो छोटा स्केल होता है और जो मीटर होता है वो बड़ा स्केल होता है। ऐसे ही फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। इंडिया में जो अडॉप्शन किया गया है वो स्केल कौन सा है, वो डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादातर हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब मेजरिंग यहाँ पे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर लेंगे। थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। लेकिन थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस बताई गई हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए थर्मोमीटर यूज़ करते टाइम। तो सबसे पहले, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब भी आप थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, बिल्कुल धो लेना चाहिए। एनश्योर दैट बिफोर यूज़ मर्करी लेवल बिलो 35, कि जब आप टेम्परेचर मेज़र करना स्टार्ट करें तो आप देखें कि मर्करी जो है वो उसमें बिल्कुल नीचे, अगर पहले ही ट्यूब जो मर्करी उसमें पहले ही ऊपर तक गई होगी तो हम टेम्परेचर को अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो चीज़ है, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मोमीटर को थोड़ा ध्यान से हैंडल करना चाहिए, जब हम उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर वो टकरा जाएगा तो वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग, जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो थर्मोमीटर को कहाँ से पकड़ें, दूसरे सिरे से, ना कि जो बल्ब होता है वहाँ से हमें नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बल्ब हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो मरकरी है उसमें वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। तो हम बल्ब से पकड़ेंगे तो जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं कि थर्मोमीटर पर ऐसे स्केल दिया गया है, तो एक स्केल मान लेते हैं यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस है, इसके बीच में छोटे 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 पोर्शन दिए हुए होंगे। तो जो एक पोर्शन है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है, वो 0.2 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं अपनी बॉडी का, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से धो देते हैं। अब जब हमने टेम्परेचर मेजर किया अपनी बॉडी का तो हमने क्या देखा, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो 37 तो रीडिंग आई और उसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या हर एक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हर एक ह्यूमन बॉडी का, तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत हो सकता है किसी का थोड़ा बहुत अंतर हमें मिल सकता है, किसी का थोड़ा सा कम हो सकता है या किसी का ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जो एक हेल्दी पर्सन होता है, जो बिल्कुल ठीक होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इसमें इतनी स्केल क्यों होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कभी भी 35 से नीचे नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए जो टेम्परेचर है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसमें जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब मेजर करते हैं तो हमारा बुखार ऐसे बोलते हैं कि 104 है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि वो डिग्री फारेनहाइट में मेजर करता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। जो फारेनहाइट स्केल है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर जो है, जो हम मेजर करते हैं, उसकी रेंज क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस में वो कम होता है। अब दूसरे टाइप का थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, उसमें रेंज थी 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब मान लेते हैं कि हमें, हमारे पास कोई लिक्विड है जैसे कि दूध है, मिल्क, उसका आपको टेम्परेचर मेज़र करना और उसका 42 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, जो लैब में हम यूज़ करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है थर्मोमीटर का, ये
तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसकी रेंज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे ये वन जो ये 10 के बराबर है, जो वन डिवीजन है ये 10 के बराबर है, तो ये -10, यहाँ पे 0, ये 1 है, मतलब 10, 220, 330, 40, 50, 60 ऐसे कहाँ तक गया है ऊपर तक, 90, 100 और 110। तो 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, क्लिनिकल की होती है 35 से 42 डिग्री। अब क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें बीच में दिया गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम होता है कम से कम। मान लेते किसी दिन का हमने टेम्परेचर मेजर किया, तो उस दिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हम 42 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा गया, कम से कम 20 डिग्री तक रहा, तो उस दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, और जो सबसे कम रहा उसको बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो इनको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो आपने जो डिफरेंस पढ़ा, सिमिलरिटी पढ़ी क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, फर्स्ट क्या था उसकी रेंज। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है उसकी रेंज होती है -10 से 110 डिग्री, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उनकी रेंज होती है। सिमिलरिटी क्या होती है कि दोनों में मरकरी का हम यूज करते हैं, दोनों में मरकरी फिल की जाती है। अब मान लेते हैं हमें किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 42 डिग्री सेल्सियस से। अगर उसका टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का 42 डिग्री से ज़्यादा है तो जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर हमें नहीं बताएगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, हमें मान लेते हैं एक ये लिक्विड है ग्लास में, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे थर्मोमीटर की, वो 0 होनी चाहिए, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है या जो भी थर्मोमीटर है उसकी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग जो एटमॉस्फेयर में आसपास का जो टेम्परेचर है उसके बराबर रीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को उस लिक्विड के अंदर रख देंगे, तो धीरे धीरे जो बीच में एक पतली लाइन होती है, जो आपको बताया था एक ट्यूब होती है जिसमें मरकरी भरी होती है, यहाँ पे जो ये मरकरी है ये इसमें ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मरकरी जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा फैलेगा, उतना ज़्यादा एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर तक हम रीडिंग लेंगे, जब एक्सपेंडेशन मतलब ऊपर जाना मरकरी का रुक जाएगा, तो उस टाइम पे हम वहाँ पे रीडिंग देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे 80 डिग्री पे हमें रीडिंग मिली, तो जो टेम्परेचर है इस लिक्विड का वो क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन क्या होता है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें आप क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इस थर्मोमीटर को इस पानी से बाहर निकालेंगे तो जो टेम्परेचर है तुरंत नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें नहीं था। हम क्या करते हैं, देखिए हम अपने मुँह में रखते हैं थर्मोमीटर को, और जब मुंह से बाहर निकाल के हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो उसमें कोई कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम में अगर हमारे पास ये लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर होता तो इतनी देर में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जितनी देर में हमने उसको मुंह से बाहर निकाल के देखा, तो जो मरकरी का लेवल है वो वापस से कितनी नीचे आ जाएगा इतनी सी देर में। लेकिन जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, हम उसमें मुँह से बाहर निकालते हैं और टेम्परेचर उसका मेज़र करते हैं, तो उसमें ऐसा क्यों नहीं होता है। वाई डज द मरकरी नोट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब उसको मुंह से बाहर निकालते हैं तो जो मरकरी का लेवल है वो एकदम से नीचे क्यों नहीं गिरता है। तो यहाँ पे जो बीच में ट्यूब होती है, देखिए ये थर्मोमीटर है, इसमें ऐसे बीच में पतली सी ट्यूब होती है आगे तक जिसमें मरकरी फिल होती है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे किंक बनाते हैं, मतलब उसको ऐसे बेंड कर देते हैं थोड़ा सा, जो लाइन होती है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये मुड़ा हुआ जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं किंक। क्या बोलेंगे, किंक। इसका काम क्या होता है, ये जो एकदम से जो बैक फ्लो होता है मरकरी का, जब हम मुंह से बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर डाउन आएगा और मरकरी एकदम से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये जो बैक फ्लो है इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे किंक बना देते हैं, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं बीच में से, ताकि एकदम से जब हम मुँह से बाहर निकालें थर्मोमीटर को तो जो टेम्परेचर है वो डाउन ना आए, इसलिए इस किंक का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंस जो आपने पढ़ा मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो क्या है,
सबसे पहला तो हमने रेंज का, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसकी रेंज थी 35 से 42 डिग्री तक, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था उसकी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। सेकंड हमने पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें किंक होती है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होती है, और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, दोनों मरकरी का यूज़ करते हैं, कि दोनों में ग्लास ट्यूब में मरकरी भरी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मरकरी है ना वो थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब अगर वो हमारे पेट के अंदर चला जाए, वो हमारे अंदर चला जाए तो वो जहर होता है, मतलब टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। और अगर मरकरी बिखर जाए तो उसको कलेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए आज के टाइम पे हम मरकरी थर्मोमीटर की जगह ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो आजकल हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब हमने हीट के बारे में पढ़ा कि उसको कैसे मेजर करते हैं, तो हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हम थर्मोमीटर की हेल्प से, और यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। दो टाइप के हमने थर्मोमीटर पढ़े, लेबोरेटरी और क्लिनिकल, दोनों में हमने डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ पढ़ी है। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। आपने क्या देखा कि जब हम फ्राइंग पैन मतलब खाना बनाते हैं जिसमें, अगर हम उसको आग पे रखते हैं तो क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट थी, फायर हीट थी, वो आग से कहाँ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है, वो फ्राइंग पैन में स्टार्ट हो जाती है ट्रांसफ़र होना। और जब वापस से हम फ्राइंग पैन को आग के ऊपर से हटा लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर में वो फिर से क्या होता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट है ना वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। जो एक ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ से हीट जाती है कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में। तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो जो हीट का ट्रांसफ़र है, हीट का जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होता है, ये तीन तरीके से होता है। इन तीनों तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तरीका होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडेंशन में देखो, फर्स्ट होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। तो तीन तरीके होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इन सॉलिड जर्नली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या होता है कि जब एक सेम ऑब्जेक्ट में उसके एक एंड में, ये कोई रोड है लोहे की, इसमें ये गर्म एंड है, इस यहाँ से जो हीट पूरे ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लोहे की रोड हमने ली, उसको यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, देखेंगे क्या थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी ये यहाँ तक गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो हीट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कि सेम ऑब्जेक्ट में जब हीट पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, इसमें कैसे ट्रांसफ़र होती है, देखो हर एक ऑब्जेक्ट है ना ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, हर एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना होता है। तो जब हम इस पार्टिकल को गर्म करेंगे तो ये हीट को एब्जॉर्ब करके ये इस पार्टिकल के पास ट्रांसफ़र कर देगा, ये इसके पास, ये इसके पास, ऐसे जो हीट है वो आगे ट्रांसफ़र होती रहेगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। और सेकेंड मेथड जो हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे बीच में एक डेफिनेशन आपको दी गई है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, और जिनमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी, एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि एक ग्लास है, हमने इसमें गर्म पानी लिया, हम क्या करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे कि ये प्लास्टिक का स्केल था, ये लकड़ी की पेंसिल, ये लोहे की चम्मच, तो ये जो चम्मच है ये ऊपर तक थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, लेकिन ये पेंसिल और स्केल जो है प्लास्टिक के बने हुए हैं ये गर्म नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर होता है, उसमें से हीट पास नहीं होती है एक एंड से दूसरे एंड में। ऐसे ही जो लकड़ी है वो भी इंसुलेटर होती है, उसमें हीट पास नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो आयरन या स्टील का ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर होता है, उसमें हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए द मेटेरियल
विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन. ये सब एग्जाम्पल है कंडक्टर के, वे ऑब्जेक्ट जिनमें से हीट एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हो जाती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें ट्रांसफर नहीं होती उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे रबड़ होता है, स्टील होती है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या देखा, जब हम पानी को गर्म करते हैं, वैन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट. जो पानी आग के ज़्यादा नज़दीक है वो गर्म हो जाता है, फिर क्या होता है, वो गर्म पानी ऊपर ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और जो ऊपर वाला ठंडा पानी है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है. जैसे हम पानी को ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं, जैसे ये बर्तन है इसमें पानी है, इसको हम गर्म करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से अगर नीचे से हम इसको फ्लेम दे रहे हैं तो नीचे वाला पानी गर्म हो गया, जैसे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, नीचे वाला पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है. ऐसे इस जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं. इस प्रोसेस को हीट ट्रांसफ़र की जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं. द प्रोसेस दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड. दिस मेड हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र नोन एज कन्वेक्शन. क्या होता है, जब एक पार्टिकल के किसी एक पार्ट एक एंड को गर्म करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल है वो गर्म होके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उधर भी गर्म कर देता है, उस एरिया को भी गर्म कर देता है. तो ये जो मोड होता है इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं. देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं. अब आपने पढ़ा है कि सॉलिड में भी यही था, लिक्विड में भी आपने यही देखा है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, लेकिन डिफरेंस क्या होता है. देखिए मान लेते हैं ये सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड का कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. तो क्या होता है, जब हम एक एंड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इसको हीट मिलती है. ये हीट क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को, ये अपने जगह से मूव नहीं करेगा, ये पार्टिकल यहीं रहेगा और ये हीट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये आगे, और ऐसे पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से मूव किए बिना हीट को एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं. लेकिन जो कन्वेक्शन होता है जो लिक्विड में होता है वो भी ऐसे ही पार्टिकल से बना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पार्टिकल यहाँ से खुद मूव करता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है और हीट को ट्रांसफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाके हीट को ट्रांसफ़र करता है. तो जो कंडक्शन था उसमें पार्टिकल मूव किए बिना एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना ही हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो कन्वेक्शन है उसमें क्या होता है, पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेके जाते हैं. तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन लिक्विड में होता है. अब यहाँ पे एक तीसरा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, जो हम चैप्टर में थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे. उससे पहले यहाँ पे सी ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं. सी ब्रिज क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि जो हीट है वो वाटर पार्ट से कूलर पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, इसलिए जो समुंदर होता है, जो समुंदर का किनारा होता है, तो यहाँ पे देखें हम क्या देखते हैं कि जो पानी है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो धीरे धीरे गर्म होता है और फिर धीरे धीरे ही ठंडा होता है. लेकिन यहाँ पे जो लैंड होती है, जो धरती होती है, वो जल्दी से गर्म होती है और फिर जल्दी से ठंडी हो जाती है. तो इसलिए क्या डिफरेंस आता है इससे, देखिए जब दिन में सूरज निकलता है तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होता है. सुबह सुबह क्या होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो क्या है, जल्दी से गर्म हो जाती है. तो यहाँ की हवा क्या है, गर्म हो जाती है ज़्यादा और यहाँ की हवा क्या होती है, कम. तो यहाँ पर लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, जल्दी से बढ़ जाता है. अब जो गर्म हवा है वो क्या होती है, ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी. अब जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ठंडी वाली हवा है ये क्या होगी, ये इसकी जगह आना, इधर आना स्टार्ट हो जाएगी, हवा इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी. तो इसलिए जब दिन में गर्मी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, हवाएं चलती हैं, हवा चलेगी तो यहाँ से जो ये पानी है ये थोड़ा सा ठंडा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि ये थोड़ी देर में गर्म होता है. तो जो सुबह का टाइम होता है जब सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद धरती तो ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन जो पानी है वो अभी थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है, ये ज़्यादा थोड़ा सा ठंडा होता है और ये थोड़ी गर्म होती है. तो इसलिए ये गर्म हवा होकर ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे जगह जो है वो थोड़ी सी खाली हो जाती है, तो यहाँ पे जो ठंडी वाली हवा है ये इधर ऐसे चलना स्टार्ट हो जाती है. ऐसे ही इससे उल्टा प्रोसेस होता है रात में. अब रात में क्या होता है, जब सूरज चला जाता है तो अब मैंने आपको बताया जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही गर्म होता है. तो दिन में जो पानी गर्म हुआ
वो क्या होगा, अब धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा, लेकिन जो ज़मीन है वो क्या है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे तो ठंड हो जाती है थोड़ी सी, और पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म पे क्या होगा, जो हवा है वो गर्म होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ से ठंडी हवा इस जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस रात को इधर से इधर, मतलब ज़मीन से पानी की तरफ हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, और दिन में हवा कहाँ से चलती है, पानी से ज़मीन की तरफ हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन में जो हवा है यहाँ से पानी ठंडा रहेगा थोड़ी देर तक, और ज़मीन गर्म हो जाएगी, तो यहाँ से ऐसे ठंडी हवा आएगी घर की तरफ। और रात में क्या होगा, रात में पानी अब गर्म है, यहाँ से ये ज़मीन क्या है, ठंडी होगी, तो यहाँ से इधर ठंडी हवा समुंदर की तरफ चलेंगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ब्रीज। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, जो समुंदर से हवा आती है, द एयर फ्रॉम द सी, जो समुंदर से हवा आती है, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, और जो लैंड से सी की तरफ आवाज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज, और जो सी से लैंड की तरफ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलते हैं। तो ये होती है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब आते हैं थर्ड मेथड, जो कि होता है रेडिएशन। तो आपने क्या देखा कि जब सुबह सूरज निकलता है तो वहाँ से हमारी तरफ हीट आना स्टार्ट हो जाती है, हम गर्मी महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं जब सूरज निकलता है। लेकिन जो सूरज है और जो धरती है उसके बीच में वैक्यूम होता है, ना हवा होती है ना कुछ भी, मीडियम नहीं होता है। फिर लेकिन जो हमने दो मेथड पढ़े उनमें क्या है, हीट ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, बीच में पार्टिकल्स होते हैं जो हीट को लेके जाते हैं। लेकिन जो थर्ड मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन, उसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जो हीट है वो बिना मीडियम के भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इस मेथड को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको, हम रेडिएशन बोलते हैं इस मेथड को। जो भी गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट रेडिएट करते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। और जब ये हीट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पहुंचती है तो कुछ वो ऑब्जेक्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भेज देता है। तो ये तीन मेथड हमने पढ़े हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों मेथड में हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट मेथड होता है उसमें जो हीट है वो पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाती है, लेकिन पार्टिकल खुद मूव नहीं करता है। ये होता है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। और नेक्स्ट मेथड जो है वो होता है कन्वेक्शन, जिसमें जो हीट है वो पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेके जाता है। इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आप क्लास में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ऐसे आपका ये पहला बेंच है, ये उसके बाद दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बेंच डले हुए हैं, यहाँ पे आपका टीचर खड़ा है। अब यहाँ से टीचर को कोई ऑब्जेक्ट है वो इस लास्ट बच्चे तक पहुँचाना है, मान लेते हैं हीट है ये, और ये क्या करना है, ये इस लास्ट बच्चे तक पहुँचाना है। तो हमारे पास क्या क्या मेथड होंगे, टीचर क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट को, इस बुक को इस बच्चे के को दे देगा, ये आगे वाले बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, और ये आगे वाले को। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चे अपनी जगह पे बैठे हैं, ये बुक को लेके अगले बच्चे को देगा, ये अगले बच्चे को। तो हीट जो बुक है वो एक जगह से लास्ट तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, और बीच में किसी की भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। तो ऐसा ही होता है सॉलिड में, जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, सिर्फ हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। अब दूसरा मेथड क्या कर सकता है, टीचर यहाँ से खुद जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, और इस बच्चे को बुक दे देगा। तो ये दूसरा मेथड होता है लिक्विड में, जिसमें पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। अब तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट थ्रो कर दे, जो टीचर है वो यहाँ से यहाँ फेंक देगा उस ऑब्जेक्ट को सीधा तीसरे बच्चे तक, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ये तीसरा मेथड क्या है, रेडिएशन। इसमें किस, अब इन दोनों मीडियम में क्या है, बीच में किसी न किसी मीडियम की जरूरत, जिस पे से पहले बच्चे थे ये मीडियम थे जिन्होंने हीट को ट्रांसफ़र किया, या ये जगह थी, ये लैंड थी जहाँ से टीचर चल के गया है बच्चे के पास हीट ट्रांसफ़र। इन दोनों मेथड में क्या है कि हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो तीसरा मेथड है यहाँ से यहाँ डायरेक्ट थ्रो करने में, वहाँ पर हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो मीडियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे तीन मेथड जो है हीट ट्रांसफ़र के वो हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद जो
हम पढ़ते हैं क्लोथ्स के बारे में, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, गर्मियों में सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, हम सूती कपड़े पहनते हैं जो क्या करते हैं, स्वेट जो पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, और सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ, वुलन इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वुलन है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर कम है, मतलब उसमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, हल्की बहुत कम हीट ट्रांसफ़र होती है इसलिए। और क्या होता है, द एयर इज़ ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुलन फाइबर्स, जो वुलन फाइबर होते हैं उनमें गैप होता है जिनमें हवा भरी होती है, और हवा भी क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, ये हमारी बॉडी से हीट को बाहर, जैसे ये हमारी बॉडी है बाहर से, इसमें कपड़े हैं तो कपड़े क्या है, ये वुलन क्लोथ जो हीट के पुअर कंडक्टर हैं, तो जो हमारी बॉडी से हीट निकलेगी वो बाहर की तरफ नहीं जाती है, इसलिए जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमें क्या करते हैं, गर्म बनाते हैं। अब है नेक्स्ट पर, सपोज यू आर गिवन ए चॉइस इन द विंटर फॉर यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, आपको एक चॉइस दी जाती है कि या तो आप एक कंबल मोटा एक कंबल ओढ़ो या फिर पतले थोड़े से दो कंबल ओढ़ो, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो ये दो पतले कंबल हैं ये प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो दो पतले कंबल हैं जब इनको हम आपस में मिलाएंगे तो इनके बीच में एक लेयर बनेगी एयर की, और एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है जो कि हीट को बाहर जाने से रोकेगी, इसलिए दो पतले कंबल एक मोटे कंबल से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे सर्दी को रोकने के लिए। तो ये चैप्टर था जो हमने पढ़ा, एक बार आप अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लेंगे।